हेलो गाइस, आज मैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट वन ले आया हूं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पर उससे इसको जानने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप यहाँ पे आई कार्ड पे जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो फिर वही क्राइटेरिया है कि दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक का मतलब मैंने पहले भी जाना था कि यार एनालिटिकल मतलब कि यार किसी चीज की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना। मतलब अगर हम किसी सैंपल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहते हैं, तो देन वी कैन अप्लाई द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मत देखो, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है, किसी एक सैंपल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट को डिटेक्ट करता है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ये बात ध्यान रखनी, किसी एक पर्टिकुलर सैंपल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोनेंट को डिटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लेता हूं इस मार्कर में मुझे ये पता लगाना है कि इसमें सोडियम कितना है, तो देन वी कैन अप्लाई द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो एनालिटिकल से समझ में आता है कि यार क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे कर रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऐसे कर रहे हैं कि यार हमारे पास ना इसके अंदर जैसे मान लेते हैं सैंपल है, उस सैंपल में से जो रेज हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार इसकी एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर देख रहे हैं। तो जो ट्रांसमिटेंस होगी उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी लाइट में, मतलब यहां से जो लाइट भेजी थी वैसी लाइट इस सैंपल के बाहर जो निकलेगी वो वैसी नहीं निकलेगी। तो वही चीज ये कौन डिटेक्ट करता है, यहां पे हमारे पास डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है और पर्टिकुलर ग्राफ्स हम प्लॉट कर सकते हैं फॉर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि यार हमने किसी चीज की कंसंट्रेशन का पता लगा लिया, या हम बोल सकते हैं एनालिटिकल टेक्निक को प्रूव कर दिया। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इतनी बात क्लियर होती है। तो एक जनरल प्रिंसिपल क्या किया, सैंपल में से क्या हो रही है, ऑप्टिकल रेडिएशन को हम दे रहे हैं, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो रही है, उसमें से क्या हो रहा है कि यार कुछ ट्रांसमिट हो रही है। तो जो फ्री मेटल एटम्स होते हैं, फ्री मेटल एटम्स मतलब जो मूव कर सकते हैं, आगे हम इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, बट फ्री मेटल एटम्स की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो वो ऑप्टिकल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ ऑप्टिकल रेडिएशन इसके बाद सैंपल के बाद ट्रांसमिट होती है, देन द डिटेक्टर विल डिटेक्ट इट। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पे एनालिटिकल मतलब समझ में आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आगे यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं कि यार व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, प्रिंसिपल की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो प्रिंसिपल में हमारे पास एक चीज बोलता है, नाम आता है हमारे पास एक लॉ का, दैट इज बीयर लैम्बर्ट लॉ। बीयर लैम्बर्ट लॉ की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो बीयर लैम्बर्ट लॉ इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक प्रिंसिपल आता है हमारे पास बीयर लैम्बर्ट लॉ। तो क्या कहता है बीयर लैम्बर्ट लॉ, कि अगर किसी सैंपल में हम कोई ऑप्टिकल रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि इस सैंपल की लेंथ और इस सैंपल के अंदर वो जो एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स जो हैं, जो पार्टिकल्स इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इन दोनों चीजों पर डिफाइन करता है। तो कहता है कि अगर जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतनी ज्यादा देर तक वो जो ऑप्टिकल रेडिएशन इंसिडेंट करवाई थी वो क्या रहेगी, सैंपल के अंदर रहेगी, उतनी देर तक एब्जॉर्बेंस होगी। सेकेंड चीज, अगर हमारे पास इस सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो हमारे पास ये जो ऑप्टिकल रेडिएशन है वो क्या करेगी यार, वो ज़्यादा देर तक एब्जॉर्ब होगी। ये बात हमारे पास क्या बोलता है, बीयर लैम्बर्ट लॉ बोलता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो बीयर लैम्बर्ट लॉ ने क्या बोला कि यार जो लेंथ है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ बढ़ी तो जो एब्जॉर्बेंस थी ना लाइट की, एब्जॉर्बेंस थी ए, वो बढ़ गई है ना। और अगर मैं बात करता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स कॉम्पोनेंट्स जो हम डिटेक्ट करना चाहते हैं एक्चुअली में, वो अगर बढ़ जाता है तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं वो भी तो बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर होती है। वो क्या बोलता है कि बीयर लैम्बर्ट लॉ ये दो क्राइटेरिया देता है। आगे अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मान लो अगर एक जनरल बेसिक प्रिंसिपल में ही हम ये कंसिडर करके चलते हैं
कि यार हमारे पास क्या आया कि ये मान लो सैंपल है, ये हमारे पास मान लो सैंपल है, इतनी बात क्लियर। यहां से हमने मान लेते हैं इंसिडेंट करवाई कोई लाइट, कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है वो सारा इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे। पर अगर हम मान लेते हैं यहां पे क्या है कि इंसिडेंट लाइट को हमने क्या करवाया, यहां पे इंसिडेंट वो करवाया, इस पे गिरवाया सैंपल पे, तो यहां से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट लाइट होगी, ये तो समझ में आती है यार, यहां से कुछ ना कुछ ट्रांसमिट लाइट होगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस जितनी ज्यादा होगी, इस सैंपल ने इस लाइट को जितना ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा उतनी ही कम ट्रांसमिटेड लाइट इस सैंपल से बाहर निकलेगी, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई उतनी कम बाहर निकली, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो उतनी ही कम हो जाएगी, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ये बात समझ में आती है कि यार इंट्रोडक्शन क्या है और हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्या है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि भाई बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ है, कंसंट्रेशन और लेंथ वाइज डिपेंड कर रहा है, और वो तो एक जनरल क्राइटेरिया हो गया भाई बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। उसका मेन क्राइटेरिया क्या है कि भाई एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है और उसके रिलेटिवली ट्रांसमिटेंस लाइट कितनी मिल रही है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आती, तो आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और तब तक जुड़े रहें अपने बकवास ट्यूटर के साथ। थैंक यू।